अपने वर्कआउट सेशन का सातवां दिन है जिसमें आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आपने अपना वॉक कंप्लीट कर लिया है। तो आपकी पहली जो एक्सरसाइज है अपन को मार्चिंग स्टेप्स करनी है, वॉक करना है 1-20 सेकंड तक। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। रिलैक्स करेंगे 20 सेकंड्स, वॉक कर सकते हैं। आपको अपने वर्कआउट्स के साथ साथ में आपको अपनी वाटर बॉटल साथ में रखनी है, ठीक है, जिससे ड्यूरिंग द वर्कआउट आप पानी पीते रहिए, आप डिहाइड्रेशन ना रहे। ठीक है, चलिए सेकंड सेट पोजिशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। ध्यान रखिएगा मार्चिंग स्टेप्स आप करते वक्त आपको अपने टो पे करना है, हील्स टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 20 सेकंड रेस्ट कंप्लीट कीजिए, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, अपने पैरों को नॉर्मल कीजिए। देन लास्ट सेट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। रिलैक्स, 1 मिनट रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए, अपना ब्रीथिंग लेवल को नॉर्मल कीजिए और वर्कआउट सेशन को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो अपना फर्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसे करनी है मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, दोनों पैरों में इस तरीके से गैप बनाना है आपको, हाथ दोनों सर के पीछे रहेंगे। ठीक है, देन लेग्स को उठाते हुए 1 and 2, ध्यान रखिए दोनों पैरों में गैप बना के रखना है, जिससे आप जब लेग्स को इस तरफ क्रॉस मिला रहे हैं तो आपकी टमी एरिया, दूसरा आपकी कार्डियो सेशन अच्छे से। ठीक है, इसको दो लेवल से करेंगे, एक बिगनर एंड एडवांस। बिगनर आपने देखा अभी इस तरीके से, एडवांस 1, 2 जंप के साथ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पोजिशन 1, फर्स्ट सेट 20 काउंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। 20 सेकंड रेस्ट, पानी पीजिए, अपना ब्रीथिंग लेवल को नॉर्मल कीजिए। ठीक है, आपको अपना लेवल डिसाइड करना है, आप किस लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रहे हैं। जितना आपका ब्रीथिंग लेवल, अगर आपको लग रहा है कि आप 10 कीजिए इसको 10 कीजिए, आपको लगता है आपको इंटरमीडिएट करना है 15 से 16 करना है वो कीजिए, आपको लगता है एडवांस करना है 20 से आप 30 तक जा सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए सेकंड से पोजिशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। रिलैक्स, लास्ट सेट करेंगे, रेस्ट कीजिए 20 सेकंड, ब्रीथिंग नॉर्मल कीजिए, वॉक कर सकते हैं। चलिए लास्ट सेट पोजीशन लेनी है। आई होप आप वर्कआउट सेशन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और मुझे पता है आप कहीं ना कहीं एक बेटर रिजल्ट बना रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। रिलैक्स, 1 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपन। ठीक है, देखिए जो ये स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं ना, आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे सर से या मिनिस्टर से बात करनी है कि मेरे को इस बारे में थोड़ी और गाइडेंस चाहिए वर्कआउट सेशन के बारे में या डाइट प्लान के बारे में या आपकी हेल्थ रिगार्डिंग कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन चाहिए आपको, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, 1-to-1 अपन बात कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। ठीक है,
नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी कैसे है, सेम कंडीशन, पैरों को दूर रखना है, देन इन आउट, जितना हो सके अपने टो को ऊपर की तरफ लाके अपने हैंड को टच करना है, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग्स, ठीक है। स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। रिलैक्स करेंगे, 20 सेकंड रेस्ट, फिर सेकंड सेट करेंगे। आपको अपना लेवल डिसाइड करना है, मैं वापस से कह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि आपको 10 करना है 10 कीजिए, आपको लगता है 20 करना है 20 कीजिए, एज यू विश, बस हेल्थ आपकी है। जितना आप इस पर फोकस करेंगे, जितना आप इसको इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, आपकी हेल्थ बेटर होती रहेगी, ठीक है। चलिए सेकंड सेट, पोजिशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax, 20 सेकंड रेस्ट, पानी पीजिए, ब्रीथिंग को नॉर्मल कीजिए, वॉक करते रहना है आपको। चलिए लास्ट सेट, पोजिशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. रिलैक्स, 1 मिनट का रेस्ट। देखिए ये जितना भी वर्कआउट है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी नॉलेज है। आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ अच्छी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज बता रहा हूँ, तो आप इसको एंजॉय कीजिए, अपने फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके, मैं बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज शेयर कर पाऊँ, ठीक है। चलिए अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे अपन। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, ब्रीथिंग लेवल को नॉर्मल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है सबकी फेवरेट है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग इसमें एंजॉय करते हैं, एक्सरसाइज का नाम है बफीस, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के बारे में क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, इस एक्सरसाइज के जितने बेनिफिट है, मेरे को नहीं लगता कि किसी एक्सरसाइज के कार्डियो सेशन में उतने बेनिफिट है, ठीक है। तो ये अपनी ओवरऑल फैट परसेंट, अपने ओवरऑल कार्डियो सेशन, अपने ओवरऑल स्ट्रेंथ सब में यूज आती है। तो कैसे करनी है देख लें अपन, फर्स्ट लेवल वाला स्टार्ट करेंगे, कोई ज्यादा एडवांस नहीं करेंगे, ठीक है। हाथ को इस तरीके से फ्लोर पर रखना है, ये हो गया फर्स्ट लेवल, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बफीस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें अपना जो रेस्ट ड्यूरिंग द रेस्ट है वो 30 सेकंड रहेगा, ठीक है, जिससे आप अच्छे से फिल हो जाए और लास्ट सेकंड सेट अच्छे से एंजॉय कर पाए। पानी पीते लीजिएगा, अपना ब्रीथिंग लेवल नॉर्मल होने दीजिए, फिर सेकंड सेट करेंगे। जैसे मेरी ब्रीथिंग की आवाज आ रही है ना आपको, वैसे आपकी भी आनी चाहिए, इससे क्या होगा आप खुद को महसूस कर पाएंगे कि आप क्या अपने शरीर को लेकर मेहनत कर रहे हैं। चलिए सेकंड सेट, पोजिशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 30 सेकंड रेस्ट, ब्रीथिंग नॉर्मल कीजिए, लंबी सांस अंदर लंबी सांस बाहर,
टास्क सेट करेंगे, पोजीशन लीजिए, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 minute rest, पानी पीजिए. Next exercise. अपनी एब्स की है, ठीक है, कैसे करना है देखेंगे, अपन रेस्ट लेंगे. आपको अपनी वेट यूज करनी है. इस तरीके से उस पर लेटना है, ठीक है, देख लीजिए कैसे करना है. अपोजिट हैंड अपोजिट लेग्स को टच करना है क्रॉस में, हाथ पीछे जाएगा. 1, ठीक है, 2, 3, पोजिशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 20 second rest. Second set करेंगे. देखिए ये सब workout मुझे पता है आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है या आपके लिए इजी हो सकता है, पर अगर अपन इसको कंसिस्टेंसी और अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. चलिए सेकंड सेट, पोजीशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 20 second rest. Last set करेंगे. पानी पी सकते हैं आप सभी. सॉरी, last set. Position. Start करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 relax कीजिए, ब्रीथिंग और मूवमेंट दीजिए. मुझे पता है आप थोड़े थक चुके हो, ठीक है, इस वर्कआउट सेशन में आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, और इस वर्कआउट सेशन के बाद आपको पूरे दिन क्या डाइट लेनी है उस पर फोकस कीजिए. अगर आप ऑफिस वाले हैं तो आप अपने मील्स को डिवाइडेशन कीजिए. आप अपने छोटे छोटे बॉक्स तैयार कर सकते हैं, टिफिन बॉक्स टाइप, जिसमें आपने अपने मील्स ले सकते हैं, स्नैक्स मील्स ले सकते हैं, जिससे आपकी डाइस मीट्स थोड़ा सा ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाए. फिर बताओ अपनी डाइट मिस आउट ना हो, है ना, मतलब आपको जो चीज लेनी है खानी है वो आपको समय मिल पाए, आप जंक फूड की तरफ अभी क्रेविंग हो ना, क्योंकि क्या होता है जब अपना कुछ नहीं होता ना तो अपन को ये थैले दिखते हैं, इनसे अपन अपनी डाइट को बिगाड़ते हैं, ठीक है. दूसरा चीज, आपको अपनी स्ट्रेचिंग पूरी करनी है वर्कआउट सेशन होने के बाद. एक और चीज,
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव सेशन दूं तो ये मेरे नंबर है, आप मेरे को इस पे व्हाट्सएप कीजिए, जिससे मैं आपके बात करूंगा वन टू वन और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट डे वर्कआउट के साथ।